हैं उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए विदेशों से एमओयू कराकर कई मंत्री उत्तर प्रदेश लौटे, जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी नीदरलैंड, फ्रांस और इटली का दौरा किया। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्ट को लेकर हजारों करोड़ के एमओयू किए गए हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विश्व के अंदर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की वजह से आज एक अलग पहचान मिली है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव परेशान हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और आने वाले समय में उनके पास कोई और मुद्दा रहेगा भी नहीं। तो अखिलेश यादव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गए हैं समाजवादी पार्टी की। नीदरलैंड, फ्रांस और पेरिस के दौरे के बाद लौटे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी और हजारों करोड़ का निवेश लेकर लौटे हैं। उनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए गए थे। क्या कुछ खास रहा सर, क्या कुछ खास रहा हजारों करोड़ और सबसे ज्यादा बड़ा एमओयू साइन शायद अभी तक जो है आपने किया है? देखिए, जब से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र को नेतृत्व देने की शुरुआत माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और जब मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गुजरात के अंदर ये इन्वेस्टर समिटों का आयोजन किया, मैं मानता हूं कि देश का नेतृत्व जब उनके हाथ में आया तब से लेकर के अब तक लगभग हर राज्य या तो डबल इंजन की सरकार वाले भाजपा की देश में भी और प्रदेश में भी सरकार होने के बाद डबल इंजन की जो हमारी सरकार है, तो अगर मैं कहूं पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, एकदम मैं सच कह रहा हूं। इससे भी और अच्छा शब्द कोई हो तो मैं उसे अगर जोड़ूं तो शायद वो और अच्छा होता, लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का और प्रधानमंत्री जी का माननीय नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है और उनके प्रभाव के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है, जिस प्रकार से यह दूसरा कार्यकाल हम लोगों का चल रहा है, या दोनों कार्यकाल के अंदर जो सुरक्षा का विशेष माहौल है, जो हमारी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, चाहे वह एक्सप्रेसवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, और चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, और चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से निवेश का जो वातावरण बना है, जो निवेशक आए हैं उनका विश्वास हो, और जिन देशों में मुझे जाने का या जो हमारे साथी मंत्रियों का जाने का कार्यक्रम रहा है, उन देशों की कंपनियां पहले से ही भारत में काम कर रही हैं। मुझे खुशी उस समय हुई जब मैं नीदरलैंड और फ्रांस के अंदर कई बड़ी कंपनियों ने कहा कि हम चीन से अपना जो व्यापार है, कारोबार है, अपनी इंडस्ट्री भारत में शिफ्ट करना चाहते हैं और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि आज भारत और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश का एक अलग स्थान बना है और ये हमारे लिए गर्व की बात है और मुझे पूरा विश्वास है जितना लक्ष्य 10 लाख करोड़ के निवेश का है, उस लक्ष्य को बहुत आराम से हम लोग 10 फरवरी से 12 फरवरी तक जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसके अंदर प्राप्त करें। उसका एक बड़ा हिस्सा आप लेकर आए हैं, कितने का निवेश जो है इस बार आपकी तरफ से जो आया है, कितने का निवेश रहेगा इधर? इसमें मेरा ये मानना है कि व्यक्ति के आधार पर हम लोग बात करें, मैं और तुम, तो यह उचित नहीं है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में संपूर्ण उत्तर प्रदेश सरकार के जितने समूह विदेशों में गए थे उनको जिस प्रकार से उत्साहवर्धक मतलब ऑफर वहां से मिले हैं, वह मैं समझता हूं कि एक झांकी जरूर दिखाई दी है, लेकिन पूरी पिक्चर 10 से 12 फरवरी में दिखाई देगी और 10 से 12 फरवरी के बाद उत्तर प्रदेश में जब निवेश भारी भरकम आएगा, जब सभी सेक्टर, चाहे वह एग्रीकल्चर का कृषि का क्षेत्र हो, चाहे दूध की डेयरियों का क्षेत्र हो, चाहे खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वह जल मार्गों का क्षेत्र हो, चाहे वह पर्यटन का क्षेत्र हो, मतलब मैं किन जितने सेक्टर हैं हर सेक्टर के लिए मतलब दुनिया आकर्षित है। विपक्ष मुद्दा विहीन है और विपक्ष के नाम पर समाजवादी पार्टी और असमाजवादी पार्टी के नाम पर श्री अखिलेश यादव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की धड़कन बढ़ना स्वाभाविक है, बढ़ना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर आरोप लगाएं, हम उनको दिखावें कि हम लोग उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बना करके दे सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ का जो निवेश होगा उससे ज्यादा का निवेश जब पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी तो दिखेगा और ऐसे में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष सिर्फ मुद्दा विहीन करने के लिए जनता के आगे नए नए शगुफे छोड़ रहा है।
कैमरा शैलेश पांडे के साथ रामनीत भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ।